विधानसभा में होने वाले चुनाव के लिए पांचों राज्यों में चुनाव प्रचार जोर शोर पर है। वहीं दोस्तों पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सी वोटर ने दूसरे हफ्ते का ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। सी वोटर के दूसरे हफ्ते के ओपिनियन पोल में राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आती दिखाई दे रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा की जबरदस्त टक्कर हो सकती है। 1 अक्टूबर से 8 नवम्बर के बीच कराए गए सर्वे में कांग्रेस मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में आगे बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि भाजपा के हाथ से मध्य प्रदेश और राजस्थान की शक्ति हुई दिखाए गए हैं। ओपिनियन पोल सर्वे में मध्य प्रदेश के 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 116 सीटें और भाजपा को 107 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। तो वहीं राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 145 सीटें और भाजपा को 55 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 90 सीटों वाले विधानसभा में कांग्रेस को 41 सीटें और भाजपा को 43 सीटें मिलती दिखाई गई है। तो वहीं तेलंगाना में टीआरएस के हाथ से सत्ता खिसक सकती है। वहां 119 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन को 64 और टीआरएस को 42 सीटें मिलती बताई गई है। मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा में विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट को 17 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें, जेटबीएम गठबंधन को 9 और अन्य को 2 सीटें बताई गई है। ओपिनियन पोल सर्वे में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तकरीबन 68,000 लोगों की राय ली गई। जनता की राय में भावी मुख्यमंत्रियों को लेकर राजस्थान में सचिन पायलट को पसंद किया जा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव और मिजोरम में ललथन हवला और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह अन्य सभी संभावित नामों पर भारी पड़ रहे हैं।